Hello everyone, in this video lecture of Digital Electronics or Digital System Design, I am going to design mod 10 synchronous down counter using T flip flop. Down counter means ki ye down counting karega higher to lower number ki tarah, theek hai. So first of all, hame ise pata hona chahiye ki how many states or how many clock pulses can be counted by this counter. To ye counter kitni clock pulses ko count karega? Number of states will be equal to capital N is equal to 10. Counting kya hai down, to range of counting will be N minus 1 to 0, means 10 minus 1 to 0 is equal to 9 to 0. Okay? Now how many flip-flops are required? To number of flip-flop, इसमें जो हाईएस्ट नंबर है इसको आप बाइनरी में लिखो तो क्या होगा 1001. हाउ मेनी बिट्स आर देयर? 4. तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे? 4. अनदर मेथड यू कैन यूज दिस, कैपिटल एन शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर स्मॉल एन, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. तो इन दिस केस 10 लेस देन 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 10 इज लेस देन 16. कंडीशन सेटिस्फाइड इन बोथ मेथड, आइदर दिस और यूजिंग बाइनरी, आपके नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे? 4. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्टेट डायग्राम. बना लिया स्टेट डायग्राम, क्या होगा? 9 to 8, 8 to 7, 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 1 to 0, and 0 to 9. ठीक है, तो दिस इज द स्टेट डायग्राम. क्लियर? नाउ इन दिस केस नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 है, तो हाउ मेनी स्टेट्स कैन बी काउंट? ये काउंट कर सकता है 16, बट यहाँ ये काउंट कर रहा है 10. तो अनयूज्ड स्टेट्स क्या है? अनयूज्ड स्टेट्स आर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. और इनको हम क्या कंसीडर करेंगे? एज डोंट केयर. ठीक है, नाउ अब हम ड्रॉ करते हैं इसकी एक्साइटेशन टेबल. होगा प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट्स में क्या होंगे? क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी. नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट. इन दिस क्यू ए प्लस 1, क्यू बी प्लस 1, क्यू सी प्लस 1, क्यू डी प्लस 1. नाउ इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप? 4. टी ए, टी बी, टी सी एंड टी डी. ठीक, स्टार्ट करते हैं. डाउन काउंटिंग है, मींस स्टार्ट होगा विथ 9. प्रेजेंट स्टेट इज 9 to 8. नाउ प्रेजेंट स्टेट इज 8, नेक्स्ट स्टेट इज 7. प्रेजेंट स्टेट इज 7, नेक्स्ट स्टेट इज 6. नाउ प्रेजेंट स्टेट इज 6, नेक्स्ट स्टेट इज 5. नाउ प्रेजेंट स्टेट इज 5, नेक्स्ट स्टेट इज 4. नाउ प्रेजेंट स्टेट इज 4, नेक्स्ट स्टेट इज 3. नाउ प्रेजेंट स्टेट इज 3, नेक्स्ट स्टेट इज 2. नाउ प्रेजेंट स्टेट इज 2, नेक्स्ट स्टेट इज 1. नाउ प्रेजेंट स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 0. नाउ प्रेजेंट स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट विल बी 9. वापस रोटेट होगा. ठीक, नाउ जो अनयूज्ड स्टेट्स हैं वो क्या हैं? 1 0 1 0 10 1 0 1 1 11 1 1 0 0 12 1 1 0 1 1 1 1 0 14 1 1 1 1. तो इन केस में क्या होगा? डोंट केयर. नाउ अब हमें यहाँ इनपुट्स लिखनी है, तो हमें टी की एक्साइटेशन टेबल देखनी होगी. एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप क्यू एन, क्यू एन प्लस 1 टी. इफ 0 0, टी विल बी 0. 0 to 1, टी विल बी 1. 1 to 0, टी विल बी 1. 1 1, टी विल बी 0. फ्रॉम दिस, अगर प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट बोथ आर सेम, तो टी की वैल्यू क्या होगी? 0. अगर दोनों डिफरेंट है तो टी की वैल्यू होगी 1.
तो नाउ हम वन बाय वन ड्रॉ करते हैं। अगर हमें टी ए की वैल्यू लिखनी है तो हमें ऑब्जर्व करना होगा क्यू ए एंड क्यू ए प्लस वन को। वन वन सेम है मीन्स ज़ीरो, वन ज़ीरो चेंज है मीन्स वन, ज़ीरो 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 टिल दिस, ठीक है, टिल दिस सारी वैल्यू सेम है तो हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो, ठीक है। लास्ट में ज़ीरो टू वन मीन्स वन, यहाँ पर क्या होगा, डोंट केयर, ठीक। नाउ फॉर टी बी हम किसे ऑब्जर्व करेंगे, क्यू बी एंड क्यू बी प्लस वन को। ज़ीरो ज़ीरो नो चेंज मीन्स ज़ीरो, ज़ीरो टू वन चेंज मीन्स वन, वन 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 वन। नेक्स्ट थ्री केसेस के लिए नो चेंज मीन्स ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। नाउ वन टू ज़ीरो चेंज मीन्स वन। नाउ वन ज़ीरो 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 ज़ीरो। नेक्स्ट फोर केस के लिए नो चेंज दैट्स वाई ज़ीरो, ठीक। नाउ फॉर टी सी हमें किसे ऑब्जर्व करना है, क्यू सी एंड क्यू सी प्लस वन को। ज़ीरो से ज़ीरो नो चेंज मीन्स ज़ीरो, ज़ीरो टू वन चेंज मीन्स वन, वन टू वन नो चेंज मीन्स ज़ीरो, वन से ज़ीरो चेंज मीन्स वन, ज़ीरो से ज़ीरो नो चेंज मीन्स ज़ीरो, ज़ीरो टू वन चेंज मीन्स वन, वन टू वन नो चेंज मीन्स ज़ीरो। नाउ वन टू ज़ीरो चेंज मीन्स वन, ज़ीरो ज़ीरो नो चेंज, ज़ीरो से ज़ीरो नो चेंज, यहाँ पर, ठीक। नाउ फॉर लास्ट टी डी, वन टू ज़ीरो चेंज वन, ज़ीरो टू वन चेंज वन, यहाँ पे वन से ज़ीरो, ज़ीरो से वन, वन से ज़ीरो, ज़ीरो से वन, वन से ज़ीरो, ज़ीरो से वन, वन से ऑल चेंजेस हैं तो वन 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 लास्ट ऑल विल बी डोंट केयर, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्साइटेशन टेबल। नाउ यहाँ से हम इनकी इक्वेशंस लिख लेते हैं, डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेती हूँ, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ज़ीरो टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन, ठीक है। नाउ अब हमारी टी ए की इक्वेशन, समेशन एम, फर्स्ट मीन टर्म कहाँ है, एट एंड वन मोर ज़ीरो, ज़ीरो एंड एट प्लस डोंट केयर कहाँ है, टेन टू फिफ्टीन, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन। नाउ टी बी की इक्वेशन, समेशन एम, मीन टर्म कहाँ है, एट फोर मीन्स फोर एंड एट प्लस डोंट केयर विल बी सेम, नाउ फॉर टी सी समेशन एम, टी सी के केस में एट सिक्स फोर टू मीन्स टू फोर सिक्स एट प्लस डोंट केयर इज टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन। नाउ फॉर टी डी समेशन एम, मीन टर्म्स ऑल में है मीन्स की ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन प्लस डोंट केयर इज टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन। फर्स्ट केम है फॉर टी ए, मीन टर्म्स कहाँ हैं, ज़ीरो एंड एट मीन्स ज़ीरो एट डोंट केयर टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन पेयर दिस वन, ठीक है। फ्रॉम दिस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी ए, टी ए इज इक्वल टू फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट रो से हमें मिलेगा क्यू बी बार एंड कॉलम से क्यू सी बार एंड क्यू डी बार, ठीक। नाउ फॉर टी बी, मीन टर्म्स है हमारा फोर एंड एट, ठीक, डोंट केयर टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। वन क्वार्ट दिस वन, ठीक है, एंड वन पेयर, ठीक है। नाउ तो इक्वेशन क्या आएगी फॉर टी बी, क्वार्ट से क्वार्ट इज कॉमन, क्यू ए कॉमन है, कॉलम से क्या कॉमन है, क्यू डी बार कॉमन है, प्लस फॉर दिस पेयर इन दो रो से व्हाट इज कॉमन वैल्यू, क्यू बी, कॉलम से क्या आएगा, क्यू सी बार क्यू डी बार, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू फॉर टी बी।
के में फॉर टी सी मीन टर्म्स का है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, ठीक है। एंड डोंट केयर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर दिस हमारा वन कॉम्बिनेशन वन क्वाड यहाँ बनेगा, तो टी सी इज इक्वल टू क्यू सी क्यू डी बार प्लस। नाउ अब हमें इसे सॉल्व करना है, मीन टर्म को कवर करना है, तो वन क्वाड ये बनेगा बैक टू बैक। इसके लिए क्या आएगा, फ्रॉम दिस रो क्यू ए फ्रॉम दीज टू कॉलम क्यू डी बार प्लस। नाउ वन मीन टर्म इज लेफ्ट, तो इस मीन टर्म को अगर हमें कवर करना है वन मोर क्वाड, ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, दीज टू रो क्यू बी फ्रॉम दीज टू कॉलम क्यू डी बार। नाउ फॉर टी डी, टी डी के केस में यू कैन सी कि ऑल मीन टर्म्स एंड डोंट केयर को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा एक के मैप बनेगा जिसमें ऑल 16 कॉम्बिनेशन विल बी कवर, तो टी डी विल बी इक्वल टू 1। तो नाउ अब हम ड्रॉ करते हैं इसका सर्किट डायग्राम। ये 4 फ्लिप फ्लॉप, ये 4 टी फ्लिप फ्लॉप, सबसे पहले एलएसबी मींस डी सी बी एंड ए। इनपुट इसका टी डी टी सी टी बी क्यू बी टी ए क्यू ए। नाउ सिंक्रोनस काउंटर है मींस क्लॉक विल बी सेम। नाउ अब हम इनपुट्स कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टी डी, वॉट इज द वैल्यू ऑफ टी डी, टी डी इज इक्वल टू 1 मीन्स कि आइदर यू कैन राइट प्लस वी सी सी और सिंपल आप लिख दो लॉजिक 1। नाउ अगर हम टी सी को देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3 थ्री प्रोडक्ट टर्म है, देन एक और गेट है, ठीक है। मीन्स कि हमें चाहिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसके बाद इनकी आउटपुट किससे कनेक्ट होगी, एक और गेट से, ठीक है। और गेट की आउटपुट किससे कनेक्ट होगी, टी सी से, ठीक। नाउ अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो क्यू डी बार इज़ कॉमन फॉर ऑल, तो हमने लिया यहाँ पर क्यू डी बार को, ठीक है, और इसको कनेक्ट किया विथ ऑल, डन, ठीक। नाउ सेकेंड इनपुट क्या है, क्यू सी क्यू ए क्यू बी, तो आइदर यू कैन फीडबैक द वायर्स और आप डायरेक्टली लिख दो, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्यू सी, यहाँ लिख दिया क्यू बी, यहाँ लिख दिया क्यू ए, ठीक है। आप फीडबैक करके भी कनेक्ट कर सकते हो और आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक। नाउ अब हम देखते हैं टी बी के लिए। टी बी में 2 प्रोडक्ट टर्म देन 1 और गेट मीन्स कि एक एंड गेट दूसरा एंड गेट, आउटपुट जाएगी इसकी और गेट को और आउटपुट ऑफ और गेट विल कनेक्ट विथ क्यू बी, ठीक। नाउ इन दिस क्यू डी बार इज कॉमन, मैं फीडबैक पीछे से ना करके यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट के लिए हमारा क्या है, क्यू बी देन क्यू सी बार देन क्यू डी बार, ठीक है। दिस वन इस केस में क्या है, क्यू डी बार एंड क्यू ए, डन, ठीक। नाउ इनपुट ऑफ टी ए, टी ए की इनपुट क्या है, क्यू बी बार क्यू सी बार क्यू डी बार मीन्स 1 एंड गेट, आउटपुट ऑफ एंड गेट कनेक्टेड होगा विथ टी ए। इनपुट्स क्या हैं, क्यू बी बार, क्यू बी बार तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर देती हूँ, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्यू सी बार, क्यू सी बार, नेक्स्ट क्या है, क्यू बी बार, तो हो चुका क्यू डी बार, ठीक है, ये हो गया डन। अब हम इनकी शो करनी है आउटपुट्स, क्यू ए क्यू बी क्यू सी एंड क्यू डी, ठीक है। दीज आर द आउटपुट्स एंड दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ मॉड 10 सिंक्रोनस डाउन काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।